नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है हर्षद्विवेदी एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में आपका स्वागत है जहां पे मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फिर हिस्ट्री क्या है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है फंक्शन क्या है डेक्लेन और फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट्स एट वर्क क्या है आई एल ओ का ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क क्या है जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है दोस्तों तो मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया एंड स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट कन्वेंशन 182 एटी टू ऑफ आई एल ओ तो ऑफ आई एल ओ मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ अगर यूट्यूब में सर्च मारेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन और इंडिया का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएशन इस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी पॉइंट्स बताऊंगा उसके कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुके हैं बट मैं फिर भी रिपीट करूंगा आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं हेल्प भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए आपको जेनुअन डाउट्स का जवाब दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर आपको इस लेक्चर की नोटिफिकेशन और पी दोनों मिल जाएगी जितनी भी मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ उनकी नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन की याद रखिएगा ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है काम क्या है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इवॉल्व करना इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को बनाना और उसके बेसिस पे दुनिया भर में जो लेबर है काम करने वाले लोग हैं और हर कोई ऑलमोस्ट अपने डेली मर्रा की जिंदगी में एक लेबर है थोड़ा हाई लेवल का हो सकता है कोई थोड़ा लो लेवल का हो सकता है कोई थोड़ा ज्यादा कमा सकता है कोई थोड़ा कम बना सकता कमा सकता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना कब था अक्टूबर 1919 सौ में बना था लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के अंदर आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म हुआ

एम्प्लॉय करते हैं डेढ़ सौ नेशन में ठीक है नौ सौ लोग टेक्निकल कॉपरेशन प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं अभी के लिए करंट डायरेक्टर जनरल कौन है आई के गाई राइडर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एक अक्टूबर दो हजार बारह से लेकर अब तक ये डायरेक्टर जनरल है आई के इंडिया के लेबर सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र इनको इलेक्ट किया गया एज द चेयर पर्सन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर 2020 टू जून 2021 ये वन लाइनर पीसीएस में पूछा जा सकता है काम क्या है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल फ्रीडम मिल सके सिक्योरिटी डिग्निटी मिल सके, सके, सके। यानी ऐसी को बनाना ताकि जो भी लोग काम करें इन वर्क कंडीशन के अंदर फ्रीडम के साथ इक्विटी के साथ सिक्योरिटी डिग्निटी के साथ काम करें इंटरनेशनलेशन दोस्तों एक सौ उन्यासी वन एट्टी नाइन कन्वेंशन ट्रेटीज है

को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं फोस्ट और कंपल्सरी लेबर को एलिमिनेट करते हैं इसको अभी हम आगे देखेंगे एक बात और बता दो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में जो लेबर लॉज बनते हैं उसके उसमें एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है देखिए इंटरनेशनल लेबर लॉ को डिज़ाइन करने में आयोलो का मेजर रेल है और इस इंटरनेशनल लेबर लॉ के हिसाब से जो दुनिया भर की डेमोक्रेसीज है वो अपने लेबर लॉ को डिज़ाइन करती हैं ऑबियस ही बात है जो पूरी तरीके से सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं या फिर चाइना जैसी कंट्रीज हैं यहां पे डेमोक्रेसी है ही नहीं एक टोटल टोटलिटेरियन रिजाइम है डिक्टेटरशिप वाला माहौल है वहां है लेबर राइट्स पे वो थोड़ा कम फोकस करेंगे फिर बात की जाए आईलो के स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की तो है मतलब तीन प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट तीन प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई स्टैंडर्ड सेट करना है जब भी पॉलिसी सेट करनी प्रोग्राम्स को डिजाइन करना है तो तीन अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव से इनपुट्स लिए जाते हैं ये रिप्रेजेंटेटिवस गवर्नमेंट के भी होते हैं जो भी आईएलओ के मेंबर स्टेट से उनके यहाँ पे इंप्लॉयर्स के भी होते हैं इंप्लॉयर्स मतलब जो लोग नौकरियां देते हैं और जो लोग नौकरी करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के भी होते हैं तो ट्राई अरेंजमेंट मतलब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स उन कंट्रीज़ में जो लोग नौकरियां देते हैं तो इम्प्लॉयर्स यानी नौकरी देने वालों के रिप्रजेंटेटिवस और नौकरी करने वालों के रिप्रजेंटेटिवस ये तीनों मिल बैठ के, के बातचीत करेंगे स्टैंडर्ड्स पे डिस्कशन करेंगे और फाइनली अप्रूवल देंगे तो तीनों के अप्रूवल के साथ ही कोई पॉलिसी स्टैंडर्ड या प्रोग्राम लेके आया जाता है आई में और ये जो आई का फ्रेमवर्क है ये तीन मेन बॉडीज में मेंटेन किया जाता है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ये एनुअली मिलती है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए गवर्निंग बॉडी ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरह काम करती है आपके ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और बजट को डिसाइड करती है और इंटरनेशनल लेबर ऑफिस ये क्या ये परमानेंट सेक्रेटेरिएट है जो एडमिनिस्टर करता है ऑर्गेनाइजेशन को और उसकी एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करता है और इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल लेबर ऑफिस इन तीनों में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं एम्प्लॉयस के रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं और वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं इसीलिए ट्राई स्ट्रक्चर बोला जाता है ओ का पूरे यूएन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ट्राई स्ट्रक्चर है और वो है आई ठीक है आगे बात करते हैं भैया आईएलओ के गोल्स क्या हैं? देखिए पहली बात तो रिकॉग्निशन क्या क्या इनाम मिले हैं आईएलओ को 1969 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को हम्म सिक्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबल पीस प्राइस मिला फॉर इंप्रूविंग फैटर्निटी एंड पीस अमंग नेशंस

ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में लेबर्स के सामने जो बड़े चैलेंजेस आके खड़े हुए हैं उनसे डील किया जा सके तो इन दस रिकमेंडेशन में यूनिवर्सल लेबर गारंटी यानी हर लेबर को काम मिलेगा उनको सोशल प्रोटेक्शन उनके जन्म से लेकर बूढ़े होने तक और इंटाइटलमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो मतलब जब तक वो काम करेंगे और काम करने का मान लीजिए किसी डिसेबिलिटी वजह वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहे और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप ये क्या है डेलपमेंट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहां पे एक कॉलिशन बनाया है यूएन के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने यूएनईपी भी इसका मेंबर है यूएनडीपी भी इसका मेंबर है तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का जो कॉलिशन है जिसको आप बोलते हो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप ये करता क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करने में मदद करता है इस यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का भी पार्ट है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप जो कि कुछ यूएन ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रुप है उसमें आईएलओ भी एक मेंबर है क्या काम है इस यूनाइटेड डेवलपमेंट ग्रुप का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करना आईएलओ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करने में मेजर रोल प्ले करता है 1969 में पीस प्राइज मिला नोबल प्रीस प्राइज दो हजार में ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क बनाया इस ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क ने दस रिकमेंडेशन दिए इसमें यूनिवर्सल लेबर गारंटी सोशल प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज एंटाइटलमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये सब कुछ है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आई जैसा कि मैंने बताया था लीग ऑफ नेशंस की एजेंसी की तरह बना था ट्रीटी ऑफ वर्साइली 1919 के थ्रू बना था और 1946 में यूनाइटेड नेशंस की पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ग्रेट डिप्रेशन जब आया नाइनटीन में यूएसए में उस समय पर लेबर राइट्स को बचाने में आई ने मेजर रोल प्ले किया और साउथ अफ्रीका में जो के खिलाफ जो कि रेसिज्म के खिलाफ जो कि एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भी तरखाट मचा रखा था जो भी लोगों को परेशान कर रखा था उसको खत्म करना डीकोलोनाइजेशन डीकोलोनाइजेशन करना तो और इन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो लड़ाई थी उसमें भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेजर रोल प्ले किया तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट वर्कर्स एम्प्लॉयज तीनों तीन हुई बताई चुका हूं चार इसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है बोल बच्चन क्या क्या है डेवलप एंड एफेटुअ स्टैंडामेंटल प्रिंसिपल फंडाम ये बता दिया टू इंश्योर मैन एंड वुमेन हैव इक्वल एक्सेस टू डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज फॉर द सेम ये भी बता ही दिया टू मैनीफाई द कवरेज एंड एफेटिवनेस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन ऑफ एवरी वन ही दिया टू स्ट्रेंग एंड ट्राइपार्टिजम इन सोशल डायलॉग कुल मिला के चारों चीजें एक ही हैं दोस्तों ठीक है अब आप चार अलग अलग अच्छे अच्छे पॉइंट्स में इनको लिख सको अब वही बात है कि अगर इस तरीके के पॉइंट्स सेग्रीगेट करके आप यूपीएससी के एग्जाम में लिख देते हो तो नंबर ज्यादा मिल जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं ये चारों पॉइंट कि मैंने अभी आपको बताया जो चार स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं चूंकि ये इतने ब्रॉड हैं तो देखिए आई के फंक्शंस तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को डिवाइस करना ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना सोशल और लेबर प्रॉब्लम्स को दूर करना लेबर के इश्यूज को सही करना उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो अब तक नहीं बताइए ट्रेड यूनियंस एक बहुत पाइवोटल रोल प्ले करते हैं ILO में पॉलिसीज को बनाने के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्यूरो ऑफ वर्कर्स एक्टिविटीज है तो जो आई का सेक्रेटेरिएट है सचिवालय है वहां पे ब्यूरो फॉर वर्कर्स एक्टिविटी है ये ब्यूरो फॉर वर्कर एक्टिविटीज क्या करता है इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियंस को ये स्ट्रॉन्ग करता है ताकि वर्कर्स के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिफेंड किया जा सके तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट वहां पे है ब्यूरो फॉर फॉर वर्कर्स एक्टिविटीज एक्टिविटीज और ब्यूरो वर्कर करता है आगे बढ़ाता है इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन को ताकि ये ट्रेड यूनियन जिन जिन भी कंट्रीज में काम कर सकते हैं वर्कर के राइट्स को और इंटरेस्ट को डिफेंड कर सके अब बात करते हैं 1998 में आया हुए एक डेक्लेन की जिसका नाम है डेक्लेन 189 and है। से आठ रिकॉग्नाइज किए गए हैं इस नाइनटीन के अंदर और वो चार बेसिक हेड्स के अंदर डिवाइज कौन कौन से फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग इसमें आता है एलिमिनेशन ऑफ फोर्स लेबर और कंपल्सरी लेबर जिसके अंदर दोनों कर चुका है, और फिर एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्युपेश इसमें आता है 11 और कन्वेंशन नंबर वन 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 आगे देखते हैं। ये आर्ट के आर्ट कन्वेंशन आपके सामने लिखे हुए हैं अब आपको कौन से कन्वेंशन याद रखते हैं कौन से कन्वेंशन याद नहीं रखते हैं, देखिए हैं।

इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी का मेंबर है 1922 से इंडिया में पहली बार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में खोला गया 1928 में और इंडिया और आईएलओ की जो मेंबरशिप है वो बहुत पुरानी है इन आठ कोर फंडामेंटल आईएलओ कन्वेंशन में से इंडिया ने छह को रेटिफाई किया है किस किस को रेटिफाई किया है कन्वेंशन नंबर ट्वेंटी फोर्स लेबर कन्वेंशन नंबर वन जीरो ऑक्युपेशन कन्वेंशन फिर वन थर्टी एट मिनिमम एज कन्वेंशन वन एटी टू वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन इसको इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है अब अगर आपको इनके वर्ड ही याद रहे तो कन्वेंशन वन थर्टी एट कन्वेंशन वन एट्टी टू कन्वेंशन वन 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 कन्वेंशन हंड्रेड कन्वेंशन वन जीरो इतना तो आप याद ही रख सकते हो और अगर वर्डिंग्स याद रख सकते हो फोर्स लेबर कन्वेंशन ये वाला एबोल्यूशन लेबर कन्वेंशन ये वाला तो और अच्छी बात है इंडिया ने दो कन्वेंस को साइन नहीं किया ठीक है कौन कौन से फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948 87 को साइन नहीं किया राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949 98 को साइन नहीं किया इंडिया ने क्या रीजन दिया है कि हमने नंबर 87 और नंबर 98 को नहीं साइन किया देखिए कि इंडिया में जो गवर्न, गवर्नेंस गवर्नमेंट सर्वेंट है ना वो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल के हिसाब से बंधे हुए हैं तो देश में गवर्नमेंट सर्वेंट्स को आजादी नहीं है कि वो पॉलिटिकल बातों पे अपने व्यू पॉइंट्स को दे सके ठीक है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सके ये सब आजादी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नहीं है अब ये बात नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कोई राइट दे नहीं दिया नहीं गया बिल्कुल दिया गया तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लगता है कि रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से उनके साथ अन्याय हुआ है तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यनल में जाके अपनी प्रॉब्लम्स को फाइल कर सकते हैं बट ओपनली स्ट्राइक करना ओपनली गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना किसी फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा लेना ठीक है तो इस तरीके की चीजें मना करके रखी गई हैं हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अगर हम लोग कन्वेंशन 87 और 98 को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये आजादी मिल जाएगी कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी ओपनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और फिर गवर्नमेंट को काम करने में प्रॉब्लम होगी इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये आजादी नहीं दी गई फाइनली बात करते हैं दो में बना ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क को को चेयर किया था साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरल रामाफोसा ने ने और स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लोवन ह्यूमन सेंटर्ड एजेंडा है लोगों की कैपेबिलिटी को बढ़ाना और ट्वेंटी सेंचुरी के हिसाब से बढ़ाना देखिए आई के कन्वेंशन है वो पहले बने थे तो अपने टाइम के हिसाब से बने थे जैसे जैसे समय इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे चीजों को मैनेज करने का नजरिया चीजों को हैंडल करने का नजरिया बदल रहा है अभी उस केस में ट्वेंटी सेंचुरी में जो फ्यूचर ऑफ वर्क है उसको एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा जिसके लिए ग्लोबल कमीशन बनाया गया तो भैया नई टेक्नोलॉजी के आने से क्लाइमेट चेंज से डेमोग्राफी से इसके लिए ग्लोबल कलेक्टिव ग्लोबल रिस्पॉन्स की जरूरत है इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है ऑटोमेशन आ रहा है रोबोटिक्स आ रहा है जिसके चलते जॉब लॉसेज हो रहा है मशीनाइजेशन ज्यादा हो रहा है जिसके चलते नौकरियां कम हो रही हैं तो यहां पे ये ग्लोबल कमीशन कुछ रिकमेंडेशंस देता है क्या रिकमेंडेशन देता है कि एक यूनिवर्सल लेबर गारंटी होनी चाहिए जो लेबर्स के फंडामेंटल राइट्स को बचाए उनको एडिक्वेट लिविंग वेज दे उनके नंबर ऑफ आवर्स जो दिन में काम करेंगे उसको लिमिट करें सेफ और हेल्दी वर्क प्लेसेज हो फिर इन लेबर्स को गारंटीड सोशल प्रोटेक्शन मिले बर्थ टू एल्ड एज मतलब कि इनको बुढ़ापे तक जीने का अच्छा हिसाब मिले और इनके जो बच्चे हैं वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सकें लाइफ साइकिल में फिर लाइफ लॉन्ग अर्निंग इनको प्रोवाइड की जाए और इनको इस बात के एवेन्यूज दिए जाएं कि जब ये काम ना कर पाएं तो अपने स्किल्स के थ्रू ये आगे आने वाले जो एम्प्लॉयज है उनको स्किल कर सके उनको स्किल प्रोवाइड कर सके तो ओवरऑल लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब ऐसा नहीं है कि आप गिग इकोनमी में एक दिहाड़ी मजदूर से काम करवाए पैसा देकर उसको भेजते हैं ये नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं इनके दिमाग में भी एक चीज होनी चाहिए कि हाँ भाई ये काम कर रहे हैं तो इनका काम लॉन्ग टर्म है इनके प्रकाश काम मिलता रहेगा फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज जो हम कर रहे हैं उसके चलते जॉब लॉस हो रहा है बट टेक्नोलॉजिकल चेंज को कुछ इस तरीके से किया जाए कि जॉब लॉस उतने मैसेव स्केल पे ना हो डिजिटल फील्ड में लेबर्स को और नौकरियां मिले ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स हो ग्रीन और रूरल इकोनॉमीज़ में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए जाए जिसके थ्रू ज्यादा ज्यादा वर्कर्स को नौकरियां मिले तो ये रिकमेंडेशन है ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क तो काफी इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क के रिकमेंडेशन को याद रखिएगा इंडिया ने कौन से कन्वेंशन ज्वाइन कर रखे हैं कौन से कन्वेंशन नहीं ज्वाइन कर रखे हैं जो नहीं ज्वाइन कर रखे हैं उनको क्यों नहीं ज्वाइन कर रखा है ये याद रखिएगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन रिलेटेड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए वीडियो को अच्छा लगा हो तो उसको लाइक like और शेयर जरूर करिएगा गुड बाय